गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम बिजनेस टैक्स असेसमेंट एंड प्लानिंग का, इनकम फॉर्म फर्म का, बुक में का फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम देख रहे हैं। बुक में टोटल फाइव प्रॉब्लम्स है और हमारे लेक्चर सीरीज में ये सेवन नंबर का प्रॉब्लम है। एमकॉम पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड, एनईपी 23 एंड 2019 बोथ पैटर्न के लिए यूजफुल है ये वीडियो। ईवाई बीबीए डीटीएल एमबीए एंड सीए के स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल है। तो स्टार्ट करते हैं। पी एंड क्यू आर टू पार्टनर्स हैविंग प्रॉफिट एंड लॉस, जो उनका शेयर है 1:2 है। पी एंड कंपनी अलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है एलएलपी का एज फॉलोज, गिवन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस तरह से है। सेल्स है, देन कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स है, सैलरी टू स्टाफ, डेप्रिसिएशन, रेमुनरेशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 14% से है, अदर एक्सपेंसेस एंड नेट प्रॉफिट। क्रेडिट साइड में सेल्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड अदर रिसिप्ट फ्रॉम बिजनेस है। कुछ एडजस्टमेंट दी गई है, जहाँ पर एलएलपी कंप्लीटेड ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज टू गेट अ स्टेटस ऑफ फर्म। द एलएलपी इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80IB। द एलएलपी हैज गिवन डोनेशन 80,000 टू नोटिफाइड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बाय चेक, विच इज इंक्लूडेड इन अदर एक्सपेंसेस। तो अदर एक्सपेंसेस में 80,000 का क्या है, डोनेशन इंक्लूड है। सैलरी एंड इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर एज पर पार्टनरशिप डीड, तो उसको पार्टनरशिप डीड के अनुसार हमें कैलकुलेट करना है। और डेप्रिसिएशन जो है वो अलाउड है 78,000 ओनली, और यहाँ पर डेप्रिसिएशन दिया गया है 80,000, मतलब 2,000 का डेप्रिसिएशन जो है वो एक्सेस है। यहाँ पर कुछ इनकम्स एंड इन्वेस्टमेंट दी गई है पी एंड क्यू की, तो उन दोनों के सेपरेट है। इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट, डिविडेंड फ्रॉम कंपनी रजिस्टर आउटसाइड इंडिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर माइनस में है क्योंकि विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स होम लोन अकाउंट ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक। तो इस तरह से उनकी कुछ इन्वेस्टमेंट्स है पी एंड क्यू की सेपरेटली। फाइंड आउट नेट इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ टोटल इनकम ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर्स फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट से, नेट प्रॉफिट से। तो यहाँ पर हमें जो प्रॉब्लम में नेट प्रॉफिट दिया गया है वो हम फर्स्ट लेंगे। तो नेट प्रॉफिट है 21,000, तो हमने लिया 21,000। अभी हम क्या करेंगे, इसमें जो इनएडमिशिबल एक्सपेंसेस होते हैं वो ऐड करेंगे। तो 21,000 हमने पहले ले लिया, अभी एडजस्टमेंट्स लेते हैं। तो एडजस्टमेंट में हमें डेप्रिसिएशन दिया गया था 78,000 अलाउेबल, और प्रॉब्लम में कितना है 80,000 है, यानी कि 2,000 का एक्सेस है। देन सैलरी टू पार्टनर जो है, मतलब रेम्यूनरेशन टू पार्टनर 3,60,000 दोनों के मिला के, ये भी डिसअलाउड एक्सपेंसेस है। सो हमने यहाँ पर डेप्रिसिएशन लिया 2,000 का, देन रेम्यूनरेशन टू पार्टनर दोनों के मिला के लिए 3,60,000, देन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर जो है यहाँ पर 14% के लिए दिया गया है 28,000 एंड 14,000। तो ये जो अलाउेबल है ना वो सिर्फ 12% है, मतलब ये 2% क्या है, एक्सेस है। तो अभी हम क्या करेंगे, 28,000 एंड 14,000 इनकी पहले टोटल कर लेंगे, तो वो आई 42,000। तो 14% के लिए अगर 42,000 है, तो हमने 42,000 को 14 से डिवाइड किया तो 3,000 ईच आया, मतलब 1% के लिए 3,000। तो 2% एक्स्ट्रा है ना, तो 2% के लिए कितना आएगा 6,000। इस हिसाब से ये 6,000 लिया है, 1% के लिए 3,000, तो 2% के लिए कितना हुआ 6,000। 12% तक अलाउड होता है, यहाँ पर 14% दिया गया था। देन नेक्स्ट है अदर एक्सपेंसेस। तो हमें एडजस्टमेंट में बताया गया था कि अदर एक्सपेंसेस में क्या है, डोनेशन इंक्लूड है 80,000 का, सो हमने ये 80,000 लिए। अभी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो क्रेडिट में है तो वो माइनस होगा। सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये बिजनेस का नहीं होता है, इसको सेपरेट कैलकुलेट किया जाता है। सो हमने ये 40,000 जो है वो क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि ये इनकम है। तो हमने यहाँ पर 40,000 माइनस में लिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। तो अभी हमारा बुक प्रॉफिट आया 4,29,000। तो ये जो बाकी के अमाउंट थी वो हमने प्लस की और 40,000 क्या किया, लेस किया। अभी हमें
रेम्यूनरेशन टू पार्टनर इसमें से लेस करना है। तो ये किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? तो पहले क्या करना होता है कि जो 3 लाख की अमाउंट है उसके ऊपर 90% निकालना होता है, तो बुक प्रॉफिट पे। हाँ, तो 3 लाख की जो अमाउंट है उसके ऊपर हमने 90% निकाला, तो वो आया 3 लाख के ऊपर 90% मतलब 2,70,000, यहाँ पर हमने लिया है ब्रैकेट में। और रिमेनिंग जो बैलेंस होगा उसके ऊपर हम 60% निकालेंगे, तो 3 लाख के ऊपर इतना आएगा, 4,29,000 में से माइनस करके 1,29,000, तो उसके ऊपर हम 60% निकालेंगे, तो वो 60% आया 77,400। तो इन दोनों की जो टोटल है वो आई 3,47,400। और रेम्यूनरेशन एज पर पार्टनरशिप डीड, तो कितना दिया गया था पार्टनरशिप डीड में? 3,60,000 दिया गया था। इन दोनों में से जो कम है उतना देना पड़ेगा, तो इन दोनों में से कौन सा कम है? 3,47,400, तो वो हमने लेस करना है। तो यहाँ से हमने रेम्यूनरेशन माइनस किया 3,47,400, तो बिजनेस का इनकम आया 81,600। उसमें हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऐड कर देना है 40,000। टोटल इनकम या फिर ग्रॉस टोटल इनकम 1,21,600 आया। अभी हमें इसमें से डिडक्शन माइनस करना है, जो डिडक्शन ATG का है वो, तो ATG का मतलब उन्होंने जो डोनेशन दिया है ना, तो उसका हमें माइनस करना है। तो उसके लिए जैसे हमने इसके पहले के प्रॉब्लम में कैलकुलेशन किया था उसी तरह से कैलकुलेशन करना है। तो हमारी जो अमाउंट आई है 81,600, तो उसके ऊपर हम पहले क्या करेंगे, 10% निकालेंगे। तो 10% कितना आया? 8,160। और उसमें फिर कितना डोनेशन जाएगा? 50%। तो उसका 50% कितना आया? 4,080। यहाँ पर देखिए डिडक्शन अंडर सेक्शन ATG का कैलकुलेशन किस तरह से होता है। तो 50% ऑफ 10% ऑफ बिजनेस इनकम, तो पहले हमने बिजनेस इनकम का 10% निकाला, वो आया 8,160, और देन उसके ऊपर फिर से 50% निकाला, तो वो आया 4,080। अभी ये हमने इसमें से क्या करना है? लेस करना है। तो नेट इनकम हमारा आया 1,17,520। तो अभी हम टैक्स निकालेंगे। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर सेपरेट टैक्स आएगा 20%। तो हमारा जो टोटल इनकम है उसमें से 40,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, तो उसके ऊपर 20% मतलब 8,000। अभी 1,17,000 में, 17,520 में से हम क्या करेंगे, 40,000 माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग जो बैलेंस है उसके ऊपर 30% टैक्स निकालना है। तो रिमेनिंग बैलेंस आया 77,520, उसके ऊपर हमने 30% टैक्स निकाला। तो हमारी टैक्स की अमाउंट जो है वो आई है 23,256। अभी दोनों टैक्स मिलाकर 31,256। इसमें हम हेल्प एंड एजुकेशन से 4% ऐड करेंगे इसी अमाउंट के ऊपर 4%, तो आया 1,250। यहाँ पर कभी कभी राउंडेड अप करना पड़ता है पॉइंट में आता है। तो अभी हमने टोटल टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है, तो वो आई 32,506 इन दोनों की टोटल मिलाकर, और राउंडेड अप करके अमाउंट आई 10 के हिसाब से 32,510। इस तरह से हमने पहले क्या किया, टैक्स निकाल। अभी हमें क्या करना है, PQR इनका सेपरेटली जो इन्वेस्टमेंट वगैरह दिया है उसका कैलकुलेशन करना है। कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम एंड टैक्स ऑफ PNQ सेपरेटली, तो ये जो 3,47,400 उनको रेम्यूनरेशन मिला है जो हमने पहले कैलकुलेट किया है पहले के स्टेटमेंट में, ये हम उन दोनों को डिवाइड कर देंगे। अभी उन दोनों को ये जो रेम्यूनरेशन है ये डिवाइड करना है इन द रेशियो ऑफ 20:16, 20:16 इस रेशियो में हम इनको रेम्यूनरेशन डिवाइड करेंगे। तो ये जो रेशो है ये हमने यहां से लिया है,
यहां से इनका जो पहला रेम्यूनरेशन था ना उसका रेशियो निकाला हमने, या फिर आप ये 20:16 लीजिए, या फिर इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 5:4 भी ले सकते हैं, तो 5:4 लेंगे तो भी चलेगा, या फिर 20:16 लेंगे तो भी चलेगा। तो इस तरह से हम जो रेम्यूनरेशन है उनका, जो हमने पहले स्टेटमेंट में कैलकुलेट किया था वो रेम्यूनरेशन, यहाँ पर जो किया था ना रेम्यूनरेशन, ये रेम्यूनरेशन दोनों को डिवाइड कर देंगे उसी रेशो में, 20:16 में। तो रेम्यूनरेशन आया 1,93,000 एंड 1,54,400। अभी इसमें इंटरेस्ट की अमाउंट ऐड होगी, तो इंटरेस्ट है 24,000 एंड 12,000। अभी आप फिर से पूछेंगे कि 24,000 एंड 12,000 कहाँ से आए, तो जो टोटल इंटरेस्ट था 42,000 था, तो उसमें से अलाउड जो इंटरेस्ट था 6,000 का वो हमने माइनस कर दिया, तो अभी कितना रह गया 36,000 रह गया। उनका रेशियो 2:1 है, तो 2:1 में हमने इंटरेस्ट उनको डिवाइड कर दिया, तो टोटल बिजनेस इनकम है जो उनका वो आया 2,17,000 एंड 1,66,400। अभी कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म जो है वो हम यहाँ पर प्रॉब्लम में दिया हुआ है वही ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए पी एंड क्यू की जो इन्वेस्टमेंट है वहां पर कैपिटल गेन दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 2,80,000 एंड यहाँ पर 30,000 है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 3,000 और माइनस में 6,000 है। तो यहाँ से हमने लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लेना है, तो वो हमने प्लस माइनस करके लिया है दोनों का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन प्लस करके लिया है यहाँ पर। और क्यू का जो था वहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में लॉस था 6,000 का, तो वो 30,000 में से 6,000 माइनस करके हमने 24,000 लिया है। अभी हम लेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस भी हमें पी एंड क्यू के सेपरेटली प्रॉब्लम में दिए हुए हैं, तो वहीं से हम ये ले रहे हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम में देखिए जो अदर सोर्सेस है वो ले रहे हैं, विनिंग फ्रॉम लॉटरी से है 4,000, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कंपनीज डिपॉजिट है 30,000, देन 7,000 डिविडेंड है, एंड विनिंग फ्रॉम लॉटरी 4,000 है। क्यू का 15,000 एंड 11,000 है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी नहीं है, तो वो अमाउंट हम यहाँ पर प्लस करके अदर सोर्सेस में ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने पी की तीन अमाउंट की टोटल की है, 30,000 7,000 4,000, और क्यू की दो ही अमाउंट थी, तो क्यू की हमने दो अमाउंट की टोटल की, तो इस तरह से पी के कॉलम में आए 41,000, क्यू के कॉलम में 26,000। अभी इनकी हम टोटल कर देंगे, तो टोटल आई है 5,41,000 एंड 2,16,400। और जो क्यू है वो होम लोन के लिए पैसे पेड करता है, तो उन्हें डिडक्शन मिलेगा ATC के अंडर 60,000 का, जितनी अमाउंट वो होम लोन के लिए पेड करते हैं वो, तो वो 60,000 माइनस हो गए, तो पी का इनकम उतना ही रह गया 5,41,000, लेकिन क्यू का हो गया 1,56,400। अभी हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर सेपरेट टैक्स निकालेंगे एंड विनिंग फ्रॉम लॉटरी के ऊपर भी सेपरेट टैक्स निकालेंगे, और जो बैलेंस अमाउंट है उसके ऊपर सेपरेट टैक्स निकालेंगे। तो इस तरह से हम अभी टैक्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो टोटल जो टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 20% है, तो 20% हमने निकाला 56,000। अभी आप पूछेंगे कि क्यू का क्यों नहीं निकाला, क्योंकि क्यू का जो इनकम है 1,56,400 है, यानी कि वो 2,50,000 से कम है, तो उनको टैक्स नहीं आएगा, लेकिन इनका जो इनकम है पी का वो ज्यादा है 2,50,000 से, सो इनके जो अमाउंट है उसके ऊपर टैक्स आएगा। तो 20% 2,80,000 के ऊपर निकाला 56,000, देन विनिंग फ्रॉम लॉटरी के ऊपर सेपरेट टैक्स होता है 30% का, तो वो आया 4,000 के ऊपर 30%, यानी कि 1,200, और जो बैलेंस अमाउंट है उसके ऊपर हम अभी टैक्स निकालेंगे, तो 5,41,000 में से हमने 2,80,000 माइनस किए एंड 4,000 माइनस किए, तो बैलेंस अमाउंट जो है उसके ऊपर हमने टैक्स निकाला, तो वो टैक्स आया 350 रुपीज।
बैलेंस अमाउंट जो है वो आती है 2,57,000। तो 2,57,000 में से 2,50,000 तक टैक्स नहीं बैठता है, तो ऊपर के कितने रह गए 7,000। तो ये जो बैलेंस अमाउंट के ऊपर टैक्स निकला है ना, तो वो 7,000 के ऊपर 5% निकला है। तो 7,000 के ऊपर 5% मतलब 350 रुपीज। अगेन आप समझ लीजिए, ये जो क्यू है उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि उनकी टोटल अमाउंट जो है टैक्सेबल वो 2,50,000 से कम है। जो पी है उनकी टैक्सेबल अमाउंट है 5,41,000। तो उनके ऊपर हमने टैक्स निकाला, पहले कैपिटल गेन के ऊपर निकाला 20%, वो आया 56,000। देन लॉटरी के ऊपर निकाला 30%, 4,000 के ऊपर 30%, यानी कि 1 लाख, वो सॉरी 1,200। देन हमने 5,41,000 में से ये दो अमाउंट माइनस की, 2,80,000 एंड 4,000, मतलब 2,84,000 माइनस की, तो हमारा बैलेंस आया 2,57,000। उसमें से 2,50,000 के ऊपर टैक्स नहीं बैठता है, तो रिमेनिंग बैलेंस रह गया 7,000 का। तो 7,000 के ऊपर हमने टैक्स निकाला 5%, वो आया 350। अभी टोटल टैक्स आया 57,550, यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल 57,550। उसके ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड कर दिया, 2,302। अभी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई 59,852, राउंडेड अप करके 59,850। इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम कंप्लीट किया है। सो यहाँ पर नीचे मैंने नोट भी दी हुई है कि 2,50,000 तक टैक्स नहीं बैठता है। तो ये प्रॉब्लम अगेन आप देख लीजिए, प्रॉब्लम नंबर ये बुक में का 4 नंबर का प्रॉब्लम है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये ध्यान से देखिए और ध्यान से समझ भी लीजिए, 4 नंबर का प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम है। 4 नंबर का यहाँ से स्टार्ट होता है, 4 नंबर का प्रॉब्लम ये एडजस्टमेंट्स है, ये प्रॉब्लम है और ये उसका सॉल्यूशन है। और ये वीडियो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा है, इसमें अलग से एडजस्टमेंट्स है और बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है। थैंक यू।